हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू रैम्स लाइफ चैनल। दोस्तों, बाहर काफी अंधेरा है अभी इस वक्त और दो तीन दिन से एटमॉस्फेयर ऐसा है कि आपको बाहर दिखाता हो तो बहुत अंधेरा है और मतलब बारिश हो रही है थोड़ी बहुत और स्नो भी हुआ था थोड़ा। सो ऐसा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे दो तीन दिनों से दोस्तों। लेजीनेस फील हो रहा है। आशा रखते हैं कि उजाला जल्दी ही होगा और उजाले की आशा रखते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि सस्कैचुअन में इंडियंस है कि नहीं है, कितने हैं। ऐसा क्वेश्चन मुझे लोग पूछते रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो कि मैंने बनाया हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज करते हैं जो कि नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं और जो लोग पीआर पे यहाँ पे आ रहे हैं वो लोग मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो में एक बेहतरीन तरीके से देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। सबसे पहले बता दूं कि जी हाँ, यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं। गुजराती कम्युनिटी है पूरी और पंजाबी कम्युनिटी भी है, साउथ इंडियंस भी बहुत सारा है और दूसरे प्रोविंसेस जो दूसरे स्टेट्स हैं इंडिया में वहां से भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। सस्कैचुअन में और यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना में भी बहुत सारे स्टूडेंट, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इंडिया से है, ये मैं आपको बता दूं दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप यहाँ पे आके सबसे मिल सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको पता चलेगा कि मेजोरिटी पब्लिक यहाँ पे इंडियंस ही है। दूसरी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि यहाँ पे हम बहुत सारे फेस्टिवल्स एंजॉय करते हैं इंडिया के। यहाँ आके आपको बहुत सारा फील होगा कि मतलब इंडिया के फेस्टिवल भी आप यहाँ पे एंजॉय कर पाओगे। बता दूं कि यहाँ पे काइट फेस्टिवल भी किया था हम लोगों ने एंजॉय और उसके अलावा नवरात्रि का फेस्टिवल वो भी किया था। यहाँ पे तीन दिन नवरात्रि का नवरात्रि ऑर्गेनाइज की गई थी और शरद पूर्णिमा का गरबा भी लास्ट संडे को ही था जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके अलावा गणपति जी का फेस्टिवल भी मनाया गया था जो कि यहाँ पे एक बॉम्बे स्पाइस करके शॉप है जहाँ पे इंडियन चीजें मिल जाएगी आपको, वहां पे गणपति जी का फेस्टिवल भी मनाया गया था। यहाँ पे हम बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं इंडियन के इंडिया के और सभी ऑलमोस्ट फेस्टिवल यहाँ पे हम एंजॉय करते हैं। आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बहुत सारे इंडियंस फ्रेंड्स और इंडियन कम्युनिटी के लोग। मतलब ये है आपके क्वेश्चन का जवाब। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी दिवाली आ रही है तो वो भी हम यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। कल यानी के 16 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना में बीएपीएस की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है एक सभा जहां पे हम मिलने वाला है दिवाली सेलिब्रेशन करने के लिए। और उसके अलावा नेक्स्ट मंथ यानी के 2 नवंबर को भी यहां पे दिवाली का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है जो गुजराती समाज ऑफ सस्कैचुअन ने ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन फेस्टिवल होते हैं, बहुत सारे इंडिया के लोग हैं। आशा रखता हूँ कि ये सुन के आपको आपका जॉब मिल गया होगा। और दूसरी चीज, सस्कैटून में भी इसी तरह से बहुत सारे इंडियन कम्युनिटीज है। आपको यहाँ पे इंडिया के लोग मिल जाएंगे और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर आप आ रहे हो सस्कैचुअन में। यहाँ की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम अवेलेबल है इंटरनेट पे, आपको नहीं पता कि यहाँ पे कितने इंडियंस है। बट रजाइना हो या फिर सस्कैटून हो जो कि दो मेजर सिटी है सस्कैचुअन में, या फिर कहीं ना कहीं भी सस्कैचुअन में हर जगह पे, या फिर ये कह लो कि हर प्रोविंस में कनाडा में या फिर दुनिया में कहीं भी, मतलब इंडियंस तो आपको मिल ही जाएंगे क्योंकि हम तो हर जगह है, ये तो आप जानते ही हो। बस ये बताना था मुझे इस वीडियो में दोस्तों। आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। और एक चीज जो कि ये सारी जो फेस्टिवल्स की डिटेल है जो कि अभी दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है, वो सारी चीजों की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इस वीडियो में यहाँ भी देखी होंगी आपने डिटेल्स। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कुछ कुछ फेस्टिवल में एंटर होने के लिए थोड़े बहुत चार्जेस है तो वो सब आपको डिटेल मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो कि लिंक्स है, जो कम्युनिटीज है यहाँ पे, उसके लिंक्स भी जो फेसबुक पे ग्रुप बनाए हुए हैं, तो वो सारे लिंक्स मैं आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं उन कम्युनिटी के लोगों से। आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो यही सारी बातें थी इस वीडियो में। दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस वीडियो गाइज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द रैम्स लाइफ चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द new videos that I'm going to upload in the future. Take care guys and